रविवार को उज्जैन शहर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। शहर को पूरी तरह बंद रखा गया, साथ ही पुलिस द्वारा चौराहों पर नाकाबंदी भी की गई। पिछले दिनों लगातार कोरोना संक्रमण में आए उछाल को देखते हुए प्रदेश सरकार ने प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रखने के आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत उज्जैन जिले सहित शहर में भी पूरी तरह बंद के निर्देश जारी किए गए हैं। रविवार सुबह से ही शहर की मुख्य सड़कों और चौराहों पर पुलिस और प्रशासन की टीमें लॉकडाउन का पालन कराने के लिए मुस्तैद रही। केवल अति आवश्यक सेवाओं और मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही लोगों को बाहर निकलने की अनुमति दी गई है। शहर और हाईवे के पेट्रोल पंप भी लॉकडाउन के समय में बंद रहे। पुलिस के आला अधिकारी भी मुख्य मार्गों पर चौकसी करते नजर आ रहे थे। जो लोग बिना वजह घूमते पाए गए उन पर चालानी कार्यवाही भी की गई। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान महाकाल मंदिर में भी प्रवेश बंद रहेगा। प्रदेश के बाहर आने वाले यात्रियों के लिए महाकाल मंदिर दर्शन व्यवस्था शनिवार से ही बंद कर दी गई है। जो कोरोना का संक्रमण है वो सीमित है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे केसेस आए हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में आए हैं। उन इस संक्रमण को देखते हुए ये निर्णय लिया गया था कि पिछले कल सैटरडे रात 10 बजे से लेकर के और सोमवार को सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है। इसमें केवल जो आवश्यक सेवाएं हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जैसे मेडिकल या हॉस्पिटल है, उनको खुला रखा गया है। शेष सभी सेवाओं को पूरी तरह से लॉकडाउन में रखा गया है और इसके लिए पुलिस की जगह जगह चेकिंग पार्टियां लगी हुई हैं। पीए सिस्टम के माध्यम से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, पेट्रोलिंग की जा रही है और पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है।